सतनाम सतनाहा सोहंग सतनाम जियो हो परम सत्कारयोग तन तन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारे सत्संग जीओ अते जिथों तक दास दी आवाज़ पहुँच रही है सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास। राग सोहे बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सह के सार सुहागण जान तज अभिमान सुख रलिया मान तन मन दे न अंतर राख देख ना सुने अपाख सह की सार सुहागण जान तज अभिमान सुख रलिया मान तन मन दे न अंतर राख साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरणा च जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संग जीओ सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। पाठी साहिब जी ने साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी का शब्द लिया है सह की सार सुहागन जाने जिथे संतान लोकां ने उस परम पिरता परमात्मा नू सब तो महान किया है उदी वर्गा दुनिया ते दूजा है ही कोई नहीं उथे नाल नाल सानू संसारी लोकां नू समझाउन दे वास्ते उन्होंने परम पिता परमात्मा नू कई रिश्तियां दे नाल संबोधन भी कर दिता
ताकि मनुख नू जल्दी समझ आ सके परमात्मा दी हस्ती दा, परमात्मा दी ताकत दा। बेशक ये दुनियावी रिश्ते मालक दी पहुंच तक नहीं हन, उदा मुकाबला नहीं कर सकते, पर फिर भी संतां लोकां ने, गुरु लोकां ने उस प्रभु नू संसारी रिश्तियां नाल भी संबोधन किया। जिस तरह सतगुरु जी की बाणी लेंदे हां तो उन्हां दी बाणी चाहुंदा है, तुम जो नायक आसो अंतर जामी प्रभ ते जन जनी जय जन ते स्वामी। उन्होंने प्रभु नू अपना मालक समझिया ते अपने आप नू नौकर कह दिता प्रभु दा, तू मेरा मालक है मैं तेरा नौकर हां। होर नजदीक जदों प्यार पहुंचिया तो उन्होंने कहा, नहीं साजनड़ा ओ मेरा साजनड़ा, अनत खलोया मेरा साजनड़ा, ओ मेरा सच्चा सज्जन है जेड़ा इत्थे भी मेरा सहारा बनिया ते अग्गे भी सहारा बनिया, वो मेरा सच्चा सज्जन है जेड़ा अंत समय भी मेरा साथ निभांदा है। फिर महापुरुषा ने उन्हूं अपना भरा भी कहता, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधव, तू मेरा प्राता। ईसा मसीह जी ने पूरी बाइबल च उस नूं अपना प्यो कह दिता ते अपने आप नूं बेटा मन लिया। सतगुरु रविदास जी ने भी लिखिया, एक मुकंद मुक्त का दाता, एक मुकंद हमरा पित मात। सतगुरु कबीर जी ने भी पिता पाव विच कहिंदे होए कहा सी, औगन हारे पिता जी बक्स गरीब निवाज, जे मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। ऐ मेरे पिता, जे मैं पुत्र तो कपुत्र बनिया तैनू लाज लगेगी। उन्हां पिता करके भी गुरुआं ने बहुत ज्यादा बयान किया। आखिर दुनिया के रिश्तों के विच उन्होंने कोई रिश्ता नहीं दिसिया, उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते संबोधन किया। प्रभु ने अपना पति मन लिया ते अपने आप नू पत्नी कहता। एका पति सभाई नार, साडा सब का एक पति है ते असी सारियां उहदियां इस्त्रियां। तो गुरु जी ने एक इस्त्री दे रिश्ते नू अपने आप नू संबोधन करदे होए कहा, सहगी सार सुहागन जाना। सह कहिंदी पति, पति दी सार पति वाली ही जानती है कि पति दे हुंदिया कितना सुख है कितना आनंद है। कई बार मन दे विच आंदा है कि ऐसा की है, तो सीधा जा सवाल का जवाब है, एक कुवारी स्त्री है, बच्ची है, वो व्याइयां वर्गा हार सिंगार करती है तो उन्हें शोभा नहीं दिंदा, लोग उसकी बदनामी करना शुरू कर देंगे ने। पर जदों पति वाली बन जाती है तो वही हार सिंगार उसकी शोभा का कारण बन जाता। इसी तरह साड़ी रूह दे जितने हार सिंगार ने, एक कर्म कांड ने,
पूजा पाठ ने ताई शोभा देंगे जे घर दा पति होगा। इस कारण गुरु जी ने रूदा जिन्हां ने रूह दे पति नू बना लिया मालक नाल मिल गईया उस सुहागना हो गईया उन्हां दी गल कहिंदे होए कहा सह की सार सुहागन जानी मालक दी सार मालक वाली ही जानती है कि मालक दे नाल मिल के कितना सुख है कितना आनंद है। जिहड़ी मालक नाल मिली ही नहीं जिहड़ी मालक दे रंग विच रंगी ही नहीं गई उसनू की पता है कि वो प्रभु दे नाम च कितना सुख है कितना आनंद है। ये ते जिसने अपने आप नू रंग लिया उहदे च ओही जानदी है वो फिर ताजे अभिमान सुख रलिया मान है। जेड़ी मालक दे रंग विच रंगी गई उदे विचो सारे अभिमान खत्म हो गए हंकार खत्म हो गया और सुखा नू मानदी है। तन मन देना अंतर राखे अवरा देखना सुने अपाखे। वो अपना तन मन सारा कुछ अपने मालक तो कुर्बान कर देंदी। जदों अपने मालक तो अपना तन मन कुर्बान कर देंदी है ते फिर उन्हूं अपने ते अपने मालक च कोई भी फर्क नहीं दिसदा। उन्हूं लगदा मेरे च ते मेरे मालक च कोई अंतर नहीं है कोई फर्क नहीं है केड़ी रूह नूं जेड़ी उहदे विच अभेद हो गई। जिस तरह कई बारी दस्या गुरु जी दी बाणी दा हवाला दे के कि एक समुंदर ते समुंदर तो उठी लहर सोना ते सोने तो बने गहने च कोई अंतर नहीं। इसी तरह ओ रूह कहिंदी है मेरे च ते मेरे मालक च कोई अंतर नहीं है मैं मालक दा ही रूप हां। फिर ओ अवरा देख ना सुने अपाख जेड़ी मालक दे रंग विच रंगी गई ओ ओदे दा ही जस गाउंदी है। उन्हूं फिर गुरु प्यारी सा संगत जी अपने मालक वर्गा दुनिया ते दूजा कोई नहीं दिसदा। उह ना ते किसे दी शोभा सुनदी है ते ना ही किसे दी शोभा करदी है। उह कहिंदी है कि नहीं मेरे मालक वर्गा दुनिया ते दूजा ना कोई है ना कोई होवेगा। केड़ी रूह जेड़ी उहदे रंग विच रंगी गई वाकया उन्हूं अपने मालक वर्गा दुनिया ते दूजा कोई भी नजर नहीं आउंदा। वो कहिंदी है मेरा मालक सब तो वड्डा सब तो उच्चा वो होर किसे दी शोभा सुन लई तैयार नहीं है। कहिंदा पाव उहदे लागे माया दियां गल्लां करो होर गल्लां करो वो कोई भी होर गल सुन लई तैयार नहीं। वो कहिंदी जे गल करनी है तो मेरे नाल मेरे मालक दी गल करो जेड़ा मेरा मालक है उदे वर्गा दुनिया ते दूजा कोई नहीं है। सतगुर जी फिर अपनी बाणी च अग्गे फरमाउंदे हन सो कत जाने पीर पराए जाकै अंतर दर्द न पाए सो कत जाने पीर पराए
जाकै अंतर दर्द ना पाए रहो। सो कत जानी पीर पराई। गुरु जी कहिंदे है कि उन्नू किसे दी पीड़ा दा की पता जिन्नू आपे कदी पीड़ ना पई हो। ओ मालक दे प्यार नू की समझे जिन्नू मालक दा प्यार मिलिया ना हो। जिन्ना नू मालक दा प्यार मिल गया ओही जानदियां कि मालक दा प्यार की हुंदा। बड़ा सोना भजन कई बच्चियां साड़ियां बोल दियां ने, मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु जदों मैं आवा जी करदा ना वापस जावा। तो आम दे दिल च के ऐसी इत्थे केड़ी चीज है कि इत्थों वापस जानू दा जी नहीं करदा। घर च खाना वधिया, घर च रहन लई वधिया, गद्दे ने वधिया, इत्थे सानूं कई वारी बिस्तरा भी सही नहीं मिलदा, थल्ले सौना पैंदा, फिर इत्थे क्यों खुशी है? साडी मना च सवाल उठेगा। पर ये वो रूहां जानदियां ने जिन्हां नूं मालक नाल प्यार हो गया। हुण दूसरा उस प्यार नूं नहीं समझ पाएगा। ता ही मीरा ने कहा सी घायल की गत घायल जाने। मालक दे प्यार नू मालक वालियां जानदियां, दूजियां नू की पता है मालक दा प्यार की हुंदा। जिन्हां नू मालक दा प्यार मिल गया वो फिर मालक तो बिना नहीं रहिंदियां। मीरा बाई जदों मालक दा विछोड़ा होया तो उदा रंग पीला हो गया। पिता ने सोचिया सैंत बीमार है, वैद बुलाया। वैद मीरा दी नवज देखदा है तो वैद नू मीरा दी बीमारी दा पता नहीं चलता। आखर मीरा ने बांस ढवाई तो बोली, वैद जी तैनू मेरी बीमारी दा पता नहीं लगेगा। पाना सो पीली पड़ी अरे लोग कहे पिंड रोग। मेरा रंग पान दे पत्ते वांग पीला हो गया, लोकां ने कहा है कि इनू रोग लग गया। तो बाबल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई माड़ी बां, पोला वेद ना जान ही करक कलेजे मां। पिता ने वैद बुला लिया, वैद मेरिया नबजा नू देखदा है, वैद नू मेरी बीमारी दा पता नहीं चलदा। मीरा ने झटका दे के बांस डवाई और बोली कि वैद तेनू मेरी बीमारी दा पता नहीं लगेगा, मैं अपनी बीमारी आप ही दस दी हां ते इलाज। मैनू बीमारी है मालक दे विछोड़े दी, उदी बिहरा दी, इदा इलाज इदी दवा है उदा दर्शन। जे तू करवा दे ते ठीक है, नहीं तां वी मेरियां बाहां ना मरूड़ी जा। दसम पासा गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अपने बिहरा दा जिक्र कीता। उन्होंने कहा, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, ते नाग निवासां दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला, बेग कसाइयां दा सहना। जाड़े दा सानू सथर चंगा, पठ खेड़ियां दा रहना। केंदे ने मेरे मित्र नू मेरा सुनेहा देना कि ए मालका
तुद बिन रोग रजाइया दा ओडन, तेरे बिना रजाइया दा ओडना रोग है, ते तू जे नाल है तू दुनिया तो पड़दा है। नाग निवासां दे रहना, साडा वास नागां दी कुर रहन वाला होएगा तेरे तो बिना। असी सूलां दी सुराही दे विच्चों खंजर दे प्याले च इना दुखां नू पी रहे हां। मालका तू नाल है ते सत्थर ते सौ जाना आनंद है। तू नहीं नाल तो महला च भी पाठ दी तरह तपस है। इसी तरह शाह हुसैन जी ने अपनी बिहरा दा जिक्र कीता। सज्जन बिन राती होइयां वड्डियां, प्यार दी उम्र गुजर जांदी है पता नहीं लगदा, सुख दे टाइम पता ही नहीं कदों निकल जांदा। कई वारी किसी नाल चर्चा चलती है तो कहिंदे कल दियां गल्लां लगदियां ने, वाकया गल ठीक हुंदी। कई माता पिता दे विआहां च जाण दा समां मिलिया तो उन्हां दा कार्ड आ जांदा कि मेरी बेटी दा विआह है, पता ही नहीं लग्गिया समां कदों गुजर गया। लेकिन दुख दी एक रात नहीं गुजरदी, एक रात नहीं लंघदी। बंदा वेखदा है कदों रात लंघेगी, नहीं गुजरदी, नहीं खत्म होंदी। ऐ मालका जदों तू नहीं मिलदा मिलिया तो तड़फ दे विच शाह हुसैन जी ने कहता, सज्जन बिन राती होइयां वड्डियां, ऐ मालका तू मिलिया नहीं तो तेरे बिना रात बहुत वड्डी हो गई। मास चढ़े चढ़ पिंजर होया, कण कण होइयां हड्डियां, इश्क सपाया सुपदा नाही, बेहरू तनावां गड्डियां, रांझा जोगी मैं जुगयानी, कमली कर कर सदियां, कहे हुसैन फकीर साईंदा, दामन तेरे लगियां, सज्जन बिन राती हुईयां वड्डियां, सज्जन बिन राती हुईयां वड्डियां। आही गुरबाणी च तारना लैके कई शब्द पढ़दे ने, इक घड़ी दा विछोड़ा मेरे दातिया, जुगां दा समान बीत दे। तू जिन्हां दा मालक दे चरना नाल प्यार है, जिहड़ियां उहदे रंग विच रंगियां गईयां, जीवन दा सच्चा आनंद मिल गया, उहनां नूं पता लग गया मालक की ताकत है। दूसरियां नूं नहीं पता, उहनां नूं तां पता लग गया, ते इस करके उह फिर मालक तों बिना नहीं रहिंदियां। पातशाह जी फिर अपनी बाणी च अग्गे फरमाउंदे हन, दुखी दोहागण दोए पख ही नी, जिन ना निरंतर भगत न की नी। पुरुष लात का पंथ दुहेला, संग न साथी गवन अकेला। दुखी दुहागण दोए पख ही नी, जिन ना निरंतर भगत न की ने। पुरुष लात का पंथ दुहेला,
साथे गवन के जिथे सतगुरु जी सुहागन की गल करते ने उदे नाल नाल दुहागन की भी गल करते ने। सुहागन जो मालक दे रंग विच रंगी गई, जो सिमरन च लीन है दुहागन, जो मालक दे हुक्म नू नहीं मानदी है। दोने ही पति वालियां ने सुहागन भी दुहागन भी। सुहागन मालक दे रंग विच रंगी गई, दुहागन जो मालक दा हुक्म नहीं मानदी। जिस तरह दुनिया दे विच लै लवो तो दुनिया दे विच भी सुहागन पति वरता विचारनी दोने पति वालियां होंदियां। विचारनी कह दिंदे आ जो पति दे हुक्म नू नहीं मानदी, ते सुहागन कह दिंदे आ जो पति दे हुक्म च रहिंदी। इसी तरह जेड़ियां उह मालक दे हुक्म च रहिंदियां, जो मालक ने सानू कहा उस तरह कर दियां। मालक ने कहा जियो और जीने दो, जेड़ा नाचे गुण है जो किसी जीव नू दुखी नहीं कर दिया, जो सतगुर दी बंदगी कर दिया ने, सिमरन कर दिया ने, नशे दा सेवन नहीं कर दिया, निंदिया नहीं कर दिया, किसी दी चुगली नहीं कर दिया, किसी नाल नफरत नहीं कर दिया। ऐसियां रूहां सुहागना हुंदियां ने। जेड़ियां इहदे उल्ट हन, जिन्हां दे मन च किसी प्रति नफरत है, विकारां च पईयां होईयां ने, उह दुहागना होंगी। कहिंदे ने दुखी दुहागन दोए पख ही ने। जेड़ी मालक दे हुक्म च नहीं रहिंदी, जिसने अपना मन शराबां ते कबाबां च लगा लिया, निंदिया ते चुगलियां च लगा लिया, वह दुहागना बन गईयां। दो पख हीनी उन्हां नूं दोनां पखां तों हीनियां रह गईयां। उन्हां नूं ना लोक विच सुख मिलदा ते ना परलोक विच सुख मिलदा, वह इत्थे भी दुखी ते अगे भी दुखी। जिन्हां ना निरंतर भगत ना कीनी, जिन्हां ने मालक दी भगती नहीं कीती, जिन्हां ने सिमरन नहीं कीता, सिमरन नूं छड के जिहड़ियां विकारां च लग गईयां, अवगुणां च लग गईयां, जां निंदिया ते चुगलियां च लग गईयां। गुरु प्यारी सतसंगत जी, असीं गुरमुख हाँ, गुरमुख असूलां ते चलना है। असी विकारां दे विच नहीं पैना, निंदिया ते चुगलियां च नहीं पैना, किसे नाल नफरत नहीं करनी। किसे दा सुभा है वह करदा रे, लेकिन असी नहीं करना। साडे च ते उहदे च इही अंतर है। एक आम इंसान च, एक सुहागन च ते दुहागन च इही अंतर है। जेकर असी सुहागना ते सुहागना वाले गुणा नूं अपनाना, असी दुहागना वाले अवगुणा नूं नहीं अपनाना। बहुत सारे लोग कहिंदे ने इट दा जवाब पत्थर देना चाहिए, पर गुरुआं ने नहीं एक गल कही। वह तो कहिंदे जैते मारन मुक्कियां तिना ना मारी कुम, अपनड़े कर जाए के पैर तिना दे चुम। निम्रता दीनता दसी, पुरस लाथ का पंथ दुहेला, संग ना साथी गवने अकेला। पुरसलात मुसलमान किताबां दे विच इस शब्द नूं वरत्या गया। उन्हां दा कहना है कि अगे एक लहू पाक दी नदी है, जो मुसलमान किताबां च लिखिया। गुरु जी ये अपनी गल नहीं कह रहे, मुसलमान किताबां दा जिक्र कर रहे। उहदे च लिखिया है के अगे लहू पाक दी नदी चलती है, ते उदे ते एक पुल है जेड़ा वाल तो भी दसवां हिस्सा बरीक है, जिदे तो बंदे नू गुजर के जाना पवेगा। इतनी बरीक पुल तो दी किस तरह गुजरेगा,
बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। कईयां ने उन्हूं खंडे दी तार कह दिता है। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, वो खंडे दी तार तो नहीं कौन गुजरेगा, वो दसवां हिस्सा बरीक जेड़ा पुल है उदे तो किस तरह गुजर के बंदा दूसरे पासे जाएगा। जिदी पवित्र सोच होएगी, जिदी पवित्र सोच है वो उदे तो नहीं तुर के दूजे पासे पहुंच जाता। बचपन च हुंदे सा, अजकल ते मनोरंजन दे बहुत साधन आ गए, सर्कसा सिनेमे और अज ते घर घर टीवी लग गए ने, टीविया तो भी अगे होने टेलीफोन आ गए, इन्हां नाल ही लोग लगे रहिंदे ने, इन्हां ने ते कमाल ही कर दित्ती है। मैं वेख्या कि कई बारी मन चांदा है कि टच स्क्रीन वाले टेलीफोन ने ते लोकां नालों अनटच कर दिता, समाज नालों अनटच करता, बच्चियां नूं मां प्यो नालों अनटच करता। जी चंगी है, लेकिन सोचना पवेगा, विचारना पवेगा, इनू वरतना किस टाइम है, किस समय। गुरु जी कहिंदे ने कि वो पुरस लाथ दा जिहड़ा पंथ है उहदे तो किस तरह क्रास करेगा। दस दस रहा सी कि पहले समयां दे विच मनोरंजन दे इतने साधन नहीं सन, ते एक नटिए आउंदे सन, जिस तरह सर्कसां दे विच कौतक वेखने आ, इसी तरह वो नटिए कुछ कौतक दसदे सन। वो कई तरह दे अपने अपनियां कला पेश करदे, ते एक हुंदा सी कि वो रस्सी बन के काफी उच्ची उहदे तो तुरदे, बच्चियां सुटियां सुटियां, और सिर ते बर्तन भी रखे होंदे उन्होंने, तो सारे हैरान हो जांदे। असी कई बारी बच्चे होंदे सा करा के माता पिता नूं पुछना हो किस तरह तुर लैंदे ने बरीक जिही रस्सी दे उपर, तो माता पिता ने साडे मां प्यो ने ये जवाब देना कि वो जादू जानदे ने, पर वो जादू नहीं सी जानता। उना दे विच एक गुण हुंदा सी कि सामने एक उन्होंने बांस बिल्कुल सीधा ते बिल्कुल नक दी सेध ते उहदे ते चलदे, उन्नू बांस नू ही वह बच्चियां देखदियां, ते एक हाथ च भी डंडा पकड़िया हुंदा, उहदे नाल अपने शरीर दे वेट नू बैलेंस च रखदा। वो जदों चलते चलते दूसरे किनारे पहुंचदियां ते उन्हां दा पिता जो भी उन्हां कोलों वो कौतक करवा रहा हुंदा उन्हां नूं पकड़ के थल्ले उतार, ते फिर लोग उन्हां नूं पैसा दो पैसे जां आटा चावल थोड़ा थोड़ा दिंदे। उदों ते वो दस दस पैसे उन्हां दिनां च दिंदे, कोई पंज पैसे दे दिंदा, पर जेकर वो किते रस्सी दे उपर चल रही हुंदी ते कोई दस दा नोट भी उहदे वल करे ते उह नहीं वेखदियां। उहनां नूं पता है जे नोट वल वेख्या ते डिग जावांगे। इसे तरह जिन्हां ने गुरु दे चरणां दा ध्यान रखिया है, जिहड़े इधर उधर नहीं देखणगे वह पहुंच जांदे ने उस मालक दे दरबार च, इस पुरस लात दे पंथ नूं वो क्रास कर जांदे ने, जिन्हां दे हाथ च नाम दा सहारा है, जिहदे नाल मन नूं बैलेंस च रखदे ने, खुशी च बहुत ज्यादा फुलदे ने, गमी च बहुत ज्यादा मन नूं गम नहीं लगांदे। असीं भी ठीक इसे तरह ही होणा, शब्द दे सिमरन करन दे नाल मन बैलेंस च रहेगा, ते गुरु दे चरणां दा ध्यान सानू इधर उधर नहीं जान देवेगा, ते फिर असीं वी उह लहू पाक दी नदी दे पुल नू क्रास कर सकांगे। अगरवाइज नहीं,
तो ये दो गुण साडे च गुरमुखा च होने बहुत जरूरी ने, एक सिमरन वल ध्यान ते दूजा गुरु दे चरणा दा ध्यान, सिमरन करना और गुरु दे चरणा दा ध्यान तरना, ताकि असी उस मंजल नू पा सकीए। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, दुखिया दर्द बंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रवदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी। दुखिया दर्द मंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रवदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी। सतगुरु जी कहिंदे ने दुखिया दर्द वंद दर आया, ऐ दुखां नूं दूर करने वाले मेरे मालका, मैं भी तेरे चरणा च आया हां, मेरे भी दुखां नूं दूर कर। बहुत प्यास जवाब ना पाया, मैनू तुहाडे दर्शन बहुत प्यास लगी हुई है, पर अजे तक तुहाडे दर्शन दीदार होए नहीं, कृपा करो बख्शिश करो, अपना दर्शन देवो दीदार देवो। जिस तरह साडियां बच्चियां भजन बोल दियां, बाबा पलोटे वालिया फुल तोरी दा, भजन करन दे वेले दर्शन लोड़ी दा। जदों भी मैं सिमरन ते बैठा मालका, तेरा दर्शन होवे दीदार होवे, मेरे ते बख्शिश कर, मेरे ते कृपा कर। कहे रवदास शरण प्रभ तेरी, ज्यों जान्यो त्यों कर गत मेरी। ए मालका मैं तेरी चरणा च आ डिग्या हां, हुन अपनी चरणा नाल जोड़ लै, और जिस तरह भी तेनू चंगा लगदा मेरी गति कर लै, मेरा कल्याण कर, क्योंकि मैं हुन तेरा हां। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, जेड़ी ओदी रूह बन जांदी है, शरण पई शरम पई नरैने नानक दर पईआं, जेड़ी ओदे चरणा च डिग जांदी है, मालक नूं ओदी बहुत शरम मारदी है, फिर मालक हर जगह ते उदी लजा रखदा, उदी इज्जत रखदा, फिर ओ जेड़ी रूह है ओ मालक नाल मिल के आनंद ही आनंद मानदी है। सो गुरु प्यारी सत्संग जीओ, सतगुरु दी कृपा है,
असी भी उन्हां दियां रूहां हां। एक कोशिश करनी है कि असी भी सुहागना बनीए, दुहागना ना होइए। और सतगुर दे चरणा च भी इहो ही बेनती है कि मालका इन्हां रूहां नूं बख्श लेना, जेड़ियां जेड़ियां भी तुहाडे चरणा नाल जुड़ियां होईयां ने। ते कहे रविदास सरन प्रभ तेरी ज्यों जाण्यो त्यों करगत मेरी, जिस तरह दियां भी है वह तुहाडियां है, उन्हां दी गति करियो, उन्हां नूं अपने चरणा दे नाल जोड़ी रखियो। ऐही सतगुर जी आप दे चरणा च बेनती है, प्रार्थना। सतगुर कृपा करे आप सारियां रूहां नूं सुहागना ही बनाए, आप सदीवी आनंदमई जिंदगी जीवो, तुहाडे परिवारां दी सुख शांति रहे, ते आप हमेशा जीवन च तरक्कियां मानो। यही गुरु चरणा च बेनती सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरदेव, जय गुरु रविदास। आओ आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो लेस टेकारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। कसे जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए, नाम तेरे की जोत लगाए। पियो योजे आरो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे अठारह सगल जोठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या नृपौ, तेरो किया तुझे क्या नृपौ। नाम तेरा तो ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे
सकल पसारे दस अठाठ सठे चारे खाने दस अठाठ सठे चारे खाने सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कह रवदास नाम तेरो आरती कह रवदास नाम तेरो आरती सत नाम है हरि भोग तोहारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मोरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे अरदास रवदास नाम का जगत में चंडा गड़ाया पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रवदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करया रवदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल स्वास जाए परवाह न करो पुन पुन लायो वाक भगत जान बैराग की तरो आपना हाथ बिनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा की उदास ते करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो सरदा कर सेव दे सतगुरु पार उतारन हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार चिता चिमारि शिवाल्मीक जी नाम देव कुलतार नाम देव कुलतार जुगो जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन के संपोख ऋषि बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बैठार निहास लो लंगर चलते करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु दास वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण गुरविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण श्लोक हर सोही रासाड के करे आन की आस ते नर दोज के जाएंगे
सतपाखे रवदास ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न सूट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न सूट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न जो पुले सो नर राज की जय स्वामी जगत गिर महाराज की जय स्वामी गुरुदेव गिर महाराज के जय सब साध संतन की जय जय Thank you.